यह वीडियो फुटेज आपने शायद देखा होगा, पर यहाँ हम आपको एक जरूरी जानकारी देंगे। पहले बात करते हैं वीडियो की। ये दरअसल चाइना के किसी जगह का है जहाँ आप टेलीपोर्टेशन की असली ताकत देखेंगे। जानकारी के लिए बता दें, टेलीपोर्टेशन का मतलब किसी भी चीज को पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की शक्ति को कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक ठेला गाड़ी और एक ट्रक का जोरदार टक्कर होने ही वाला था, तभी एक इंसान तुरंत उनके बीच आकर ठेला गाड़ी को चमत्कारिक रूप से रोड के साइड पर ले जाता है और इसी शक्ति को टेलीपोर्टेशन कहते हैं। हम आपको ये बताना चाहते थे कि यह वीडियो जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो गया था, ये दरअसल फेक है। चाइना में किसी गेमिंग कंपनी ने अपने गेम को एडवर्टाइज करने के लिए इस वीडियो क्लिप को बनाया था, जो एडवांस VFX की मदद से बनाया गया था। जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में टेलीपोर्टेशन के बारे में बताया था कि ये एक ऐसी शक्ति होती है जिससे किसी भी चीज को पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इस CCTV फुटेज में भी आप ऐसा कुछ देखने वाले हैं। ये लड़की सड़क पार कर रही थी और तुरंत उसके सामने एक कार आ गया और उसी बीच एक ही सेकंड में कोई आकर उस लड़की को दूसरे रोड के साइड पर छोड़ देता है। दोस्तों, ये इतनी जल्दी होता है कि इससे साफ साफ देखा भी नहीं जा सका और इसी शक्ति को टेलीपोर्टेशन भी कहा जाता है। दोस्तों, हमने आपको कई ऐसे लोगों के बारे में बताया है जिन्हें अजीबोगरीब चीजें खाना पसंद है, पर अब मिलिए हमारे भारत देश के कर्नाटका में रहने वाले पक्कीरब्बा होनागोंडी से। पिका डिसऑर्डर नामक एक अजीबोगरीब बीमारी से ये पीड़ित हैं और ईंट पत्थर खाने के शौकीन भी। बारक्राफ्ट मीडिया के एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि 10 साल की उम्र में, जी हाँ, महज 10 साल की उम्र से ही ये ईंट पत्थर खाना शुरू कर दिए थे और उनके सामने कोई फ्राइड चिकन भी रख देना तो वही ईंट पत्थर खाना ही ये पसंद करेंगे। आपने कई बार सुना होगा कि कई लोग अजीबोगरीब चीजें खाने के शौकीन होते हैं। किसी को अपना मूत्र पीना अच्छा लगता है तो किसी को ईंट पत्थर खाना अच्छा लगता है। रियालेडो कैलिफोर्निया में रहने वाली नतासा पिछले कई सालों से फेस मास्क यानी क्ली पाउडर खाती आ रही हैं और अब तक लगभग आधा टन फेस मास्क खा चुकी हैं। जी हाँ, TLC मीडिया द्वारा प्रसारित माई स्ट्रेंज एडिक्शन शो में ये बात सामने आई। नताशा बताती हैं कि क्ली मास्क खाने पर उन्हें काफी ज्यादा रिलैक्स फील होता है। TLC मीडिया द्वारा प्रसारित माई स्ट्रेंज एडिक्शन शो में केरी नामक ये महिला बताती हैं कि वो पिछले 4 साल से अपनी यूरिन यानी पेशाब को पीती आ रही हैं और उससे ब्रश करने से लेकर उससे नहाती भी हैं। And I'm addicted to drinking my urine. ये हम सब के लिए काफी ज्यादा स्ट्रेंज हो सकती है, पर डॉक्टर केथ एब्लो जो एक साइकाइट्रिस्ट हैं, उनके मुताबिक केरी एक अजीबोगरीब बीमारी पिका डिसऑर्डर से गुजर रही हैं। पर केरी का कहना है कि जब उन्हें कैंसर की बीमारी थी तो उन्हें किसी ने बताया कि पेशाब पीने पर वो ठीक हो सकती है और तभी से केरी अपने पेशाब को हर एक काम पर इस्तेमाल करने लगती हैं।